दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। बहुत ही खूबसूरत सा लाइन है, हकीकत है। हम अपने छोटे बड़े तकलीफों के साथ कई बार बहुत चीखते चिल्लाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पर जब बाहर जाते हैं, कुछ लोगों से बातें करते हैं, बातें बातों में उनके प्रॉब्लम सुनते हैं, तब लगता है सच में मैं इतना परेशान था, बट ये तो कुछ भी नहीं। हमारी परेशानियां बड़ी है या फिर हम बौने हैं, चलिए समझते हैं। हाय, मैं हूं तनुजा, सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टीजेस एनिक किड्स में। यहाँ हम जाएंगे बियॉन्ड एकेडमिक, सीखेंगे इमोशनल मैनेजमेंट, माइंडफुलनेस, एक कदम आगे बढ़ाएंगे विजडम की तरफ, करेंगे अपनी इनर इंजीनियरिंग, सीखते सिखाते आगे बढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत जर्नी होने वाली है, हम सीखेंगे और अपने आगे के जनरेशन को सेम चीजें उनको पास करेंगे। तो जुड़े रहिए टिल लास्ट। परेशानियां हर किसी के जीवन में आते हैं, छोटी बड़ी, चाहे हम रिश्तों को लेके हो, पैसों को लेके हो, कैरियर को लेके हो, या फिर हेल्थ को लेके हो। कई बार आपने नोटिस किया होगा, जो प्रॉब्लम आपके साथ है, आप किसी दोस्त को सुनाने गए, कोई और एक दोस्त आके बैठा, बातों बातों में जब उसका सुना तो लगा मेरा तो कुछ भी नहीं। कहानी है दो दोस्तों की, बचपन में एक साथ पले बड़े, बहुत सालों बाद जब मिले तब एक दोस्त अपनी परेशानियों में उलझा था कि अपनी ज़िंदगी में उतना सक्सेस नहीं हो पाया जितना सक्सेस उसको चाहिए था। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। पर जो दूसरा दोस्त था, जब उससे मिले, उसने अपनी ज़िंदगी का किस्सा बताया तो उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। इस कदर मायूस हो चुका था अपनी ज़िंदगी से। सो कहने का मतलब ये है कि हमें अपना ही प्रॉब्लम बड़ा लगता है। जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनके सामने हमारा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, बट रीज़न एक ही है, एक कॉमन फैक्टर यही है कि हम अपनी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देते हैं, इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि हम अपने आप को बौना बना देते हैं। चलिए इसका उल्टा करते हैं, हम अपने प्रॉब्लम को इतना बौना बना देंगे और खुद को इतना विशाल बना देंगे कि वो प्रॉब्लम अपने आप इतना छोटा लगेगा हमें कि हम बहुत इजीली उस चीज़ को पार कर लेंगे, किसी भी तरह डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, एंजाइटी में नहीं जाएंगे। एक छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं, बी रेडी। जो मैं बोलूँगी, जो इंस्ट्रक्शन आएगा, आँख बंद करके आप उसको फॉलो करते जाइएगा। आई होप ये छोटी सी एक्टिविटी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है।
Now, slowly, slowly, open your eyes. So, I hope आप सब इस एक्टिविटी को एवरी डे यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस. जब भी आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आने वाला हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, करके देखिए किस तरीके से आप उस चीज से ओवरकम कर पाते हैं. यू विल फील. आज के लिए इतना ही. थैंक यू मुझे सुनने के लिए. बहुत सारा ग्रेटिट्यूड. फिर से मिलेंगे एक नई सोच, एक नए वीडियो और एक नए सॉल्यूशन के साथ. तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी.